अस्सलाम वालेकुम क्लास, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है जनरल मेथड ऑफ फूड एनालिसिस, जिसमें जो हमने बहुत सारे एनालिसिस डिफरेंट फूड कंटेंट्स के डिस्कस कर चुके हैं हम। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने कंटिन्यू किया था कि हम जो है अगर हमारे फूड सैंपल्स के अंदर लिपिड्स कंटेंट यानी फैट कंटेंट मौजूद हो तो हम उसको जो है वो किस तरह से एनालाइज करते हैं। उसके लिए हमने जो है कुछ जनरल मेथड्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। मज़ीद फर्दर जो हमारे रिमेनिंग मेथड्स थे जो हम यूज़ करते हैं अपने फैट कॉन्टेंट को एनालाइज करने के लिए या फिर हम अपने जो लिपिड्स कॉन्टेंट हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से मज़ीद फर्दर मेथड जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि मज़ीद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो हमारा मेथड है मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस, ठीक है। टॉपिक जो हमारा चल रहा है और इसके अंदर जो हमारा एनालिसिस हम चल रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ लिपिड्स या फिर एनालिसिस ऑफ लिपिड्स भी हम कह सकते हैं। लिपिड्स या फिर जिसको हम फैट कंटेंट भी कहते हैं कि अपने फूड के अंदर से हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास लिपिड्स क्या है। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जो थे वो हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे। जो रिमेनिंग मेथड्स हैं वो हम आज के डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन आ जाता है वो आता है वो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का। अच्छा, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में जो है जिसमें हमने फैट एनालिसिस का स्पेसिफिकली पढ़ा था तो उसमें हमने जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड कौन सा होता है। तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है वो है सेपरेशन एंड एनालिसिस बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट जो हमारे फूड कंटेंट है, फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर जो लिपिड की कंटेंट मौजूद है कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मौजूद है, कितने अमाउंट के अंदर मौजूद है, किस टाइप ऑफ लिपिड जो है वो हमारे पास किस टाइप की फॉर्म में, किस फॉर्म में मौजूद है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, बेसिकली हम जो, क्योंकि हम कहते हैं कि लिपिड जो है वो हमारे पास अक्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो लिपिड्स पाए जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पावरफुल प्रोसीजर या पावरफुल मेथड यूज़ करते हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट लिपिड्स जो होते हैं उनको हम क्या कर सकें, सेपरेट आउट कर सकें। देन हम क्या करते हैं उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाई यूजिंग अ सूटेबल डिटेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी स्पीक्स आती हैं उनको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए या फिर हम क्या कर सकते हैं एनएमआर के जरिए जो है फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा हमारे पास है। हमने कोई भी क्रोमेटोग्राफी के मेथड के जरिए उनको सेपरेट आउट कर लिया, देन अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कौन सा लिपिड मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एनएमआर या मास स्पेक्ट्रोमेट्री को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जैसा कि आपको बहुत क्लियरली पता है कि क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमने अपने सैंपल को जो है वो क्या करते हैं कॉलम में से, अगर हम जिसे यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एचपीएलसी यूज़ कर रहे हैं तो हमने कॉलम के अंदर से जो है वो सूटेबल एडसॉर्बेंट के ऊपर से इसको पास आउट करवाते हैं। देन डिफरेंट कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर अफिनिटीज बिटवीन द टू फेजेस, दैट इज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेजेस, जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और देन हम उनको क्या करते हैं डिटेक्टर के जरिए जो है हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली जी सी या एच पी एल सी को हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। आफ्टर बींग सेपरेटेड बाय द कॉलम द कंसंट्रेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय एज दे पास बाय अ सूटेबल डिटेक्टर। नेक्स्ट जो आता है वो है अगर जो हम क्रोमेटोग्राफी की देखें कि लिपिड की फ्रैक्शंस को जो है हम टी एल सी के जरिए भी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, लिपिड फ्रैक्शंस बाय टी एल सी का मेथड भी जो है वो हम यूज़ करते हैं। टी एल सी मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के को हम बेसिकली यूज़ करते हैं। टी एल सी इज़ यूज मेनली टू सेपरेट एंड डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड ग्रुप्स इन फूड्स। हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो कौन से डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स मौजूद होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम टी एल सी को यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल हो सकता है, डाई एसाइल ग्लाइसरोल हो सकता है, मोनो एसाइल ग्लाइसरोल हो सकता है, कोलेस्ट्रोल हो सकते हैं, कोलेस्ट्रोल ऑक्साइड हो सकते हैं और फॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं। अब हमारे फूड के अंदर कौन, किसी स्पेसिफिक फूड के अंदर कौन सा जो है वो लिपिड या किस फॉर्म के अंदर लिपिड मौजूद है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टी एल सी का मेथड यूज़ करते हैं। टी एल सी के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारी जो टी एल सी प्लेट होते हैं उसके ऊपर कोई भी हम एडसॉर्बेंट अपना जो है वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द लिपिड्स की या जो भी हमारे सैंपल है उसके अकॉर्डिंगली, और जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमारे पास जो भी सैंपल है उसके अंदर जहाँ पे मिक्सचर है जिसके अंदर लिपिड्स मौजूद है उनका हम सैम्पलिंग उसी तरह से अपना सैंपल प्लेस करेंगे, देन हम उसको जो है वो अपने क्रोमेटोग्राम को डिवेलप होने के लिए छोड़ देते हैं। जब हम आपको कहते हैं कि सेपरेशन हो जाती है हमारे पास, देन हम क्या करते हैं, क्योंकि बोथ विद द स्टैंडर्ड ऑफ नॉन
अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिपिड्स आते हैं क्योंकि वो हमारे पास कलर्ड नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास सेपरेशन हो गई TLC की प्लेट्स पे, उसके बाद हम क्या करते हैं कि किसी भी सूटेबल रिएजेंट से हम अपनी उस जो TLC की प्लेट है उसको स्प्रे करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो विजिबल हो सकेंगे स्पॉट्स। देन हम स्पॉट्स को जो है वो सर्कल करके, और नेक्स्ट हमने ये फाइंड आउट करना है कि अब हमारे पास ये कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है, क्योंकि सेपरेशन हमारे पास TLC के जरिए हो गई लेकिन हमने फाइंड आउट करना है कि कौन से हैं। तो देन हम क्या करते हैं कि जो भी स्पॉट्स हमारे पास सेपरेट हुए उनको हम स्क्रैप्ट ऑफ करेंगे और उसको हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं, फर्दर एनालाइज करते हैं GC से या फिर NMR से या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कौन कौन से लिपिड्स की कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं उस फूड सैंपल के अंदर। TLC का मेथड, क्योंकि हम कहते हैं कि TLC एक सिंपल मेथड है तो हम इसलिए कह सकते हैं कि अनएक्सपेंसिव भी है और अलाउ रैपिड एनालिसिस ऑफ लिपिड्स इन फैटी फूड, और फैटी फूड्स के अंदर जिनके अंदर हम कहते हैं कि लिपिड कॉन्टेंट ज़्यादा हो सकता है उनके अंदर से जो है वो हम ईजिली कम टाइम के अंदर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स देखी थी, और रिमेनिंग जो थी सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्रोमैटोग्राफिक मेथड में जिसमें मैंने बताया कि HPLC या GC को हम यूज़ कर लेते हैं, साथ में कोई सूटेबल जो है वो डिटेक्टर हमारे पास होता है, और TLC के अंदर का मेथड जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं केमिकल टेक्निक्स, हम यूज़ करते हैं अपने सैंपल के अंदर से लिपिड्स कंटेंट को या फैट कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। कौन कौन से हमारे पास केमिकल टेक्निक्स हैं हम वो देखेंगे वन बाय वन, बेसिक उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, केमिकल टेक्निक्स, अ नंबर ऑफ केमिकल मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप, के कौन सा टाइप का लिपिड जो है वो मौजूद है हमारे एडिबल फैट्स कौन से हैं या ऑयल के फॉर्म में मौजूद है। ये टेक्निक्स जो हैं वो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रूड होती हैं क्रोमेटोग्राफी के कंपेयर में, क्योंकि ये सिर्फ हमें सिर्फ ये बताती हैं एवरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो हमें ये बताती हैं, या एवरेज मॉलिकुलर वेट के बारे में बता दिया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में बता दिया, और अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट, इन चीज़ों के मतलब हम इनको केमिकल टेक्निक्स को हम क्रूड टेक्निक्स कहते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती कि कौन से टाइप का जो है वो लिपिड मौजूद है, किस फॉर्म के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं। ये हमें जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन या जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो हमें बताती है, जिसमें केमिकल टेक्निक्स के अंदर फर्स्ट वाली आती है वो है आयोडीन वैल्यू, फर्स्ट मेथड जो हम यूज़ करते हैं या लिपिड्स की डिटर्मिनेशन के लिए वो है आयोडीन वैल्यू। अच्छा, आयोडीन वैल्यू जैसे कि इंडिकेट कर रहा है, इट्स मीन क्या कि हम आयोडीन वैल्यू आयोडीन को यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास जो भी सैंपल है उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ आइदर उसके अंदर लिपिड मौजूद है या नहीं, या फिर लिपिड जो है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। द आयोडीन वैल्यू गिव्स अ मेजर ऑफ द एवरेज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड्स, द हायर द आयोडीन वैल्यू द ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, क्या है, बाय द डेफिनेशन द आयोडीन वैल्यू इज एक्सप्रेस एज द ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब पर 100 ग्राम ऑफ लिपिड। आयोडीन वैल्यू को बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो फूड सैंपल है उसके अंदर जो है वो लिपिड मौजूद है, आइदर वो सैचुरेटेड फॉर्म में है या फिर अनसेचुरेटेड फॉर्म में है। तो जितनी ज़्यादा हम कहते हैं कि आयोडीन यूटिलाइज होती है वो ये इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो सैंपल है फूड का सैंपल है उसके अंदर अनसेचुरेटेड एसिड मौजूद है या सैचुरेटेड, क्योंकि हमने क्या कहा कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो हमें पता चलती है आयोडीन वैल्यू से। ठीक है, आयोडीन वैल्यू गिव्स अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसको हम आयोडीन वैल्यू IV से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गिव्स अ मेजर ऑफ ऑफ द एवरेज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बेसिकली ये देखा जाता है कि कितनी है आयोडीन जो है वो पर ग्राम 100 मिलीग्राम ऑफ लिपिड जो है वो कितनी ग्राम आयोडीन जो है वो 100 ग्राम ऑफ लिपिड्स के लिए एब्जॉर्ब होती है, उस क्या यूज़ होती है, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो भी फूड कंटेंट है उसके अंदर कितना अमाउंट या कितने पोर्शन जो है वो अनसेचुरेटेड अमाउंट है। आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको हम विज मेथड कहते हैं। ठीक है, विज मेथड यूज़ होता है इसमें, विज मेथड हम यूज़ करते हैं आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। विज मेथड क्या होता है अगर मैं आपको यहाँ पे जो है वो प्रॉपरली बताऊँ,
इसमें हम क्या करते हैं, द लिपिड टू बी एनालाइज इज वेट एंड डिजॉल्व इन अ सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो भी हमारे पास फूड का कंटेंट है जिसमें से हम लिपिड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको हम वे करेंगे और किसी भी सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हम उसको डिजॉल्व कर लेते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी हमने आयोडीन क्लोराइड को जो है वो ऐड किया हुआ है एक्सेस अमाउंट के अंदर, ठीक है। देन हम क्या करते हैं कि जब हमने ऐड कर दिया तो उसमें से जो आयोडीन क्लोराइड हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक क्लोराइड जो है वो क्या करेगा, हमारे पास जो इतना भी अनसैचुरेटेड लिपिड्स मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करेगा और बाकी जो हमारे पास लिपिड जो हमारे पास रिमेनिंग आयोडीन क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ आयोडीन क्लोराइड दैट हैज़ बीन रिएक्टेड इज डिटरमाइंड बाय द मॉल। अब हमने क्या कहा, सिंपल अगर मैं विथ्स मेथड के अंदर मैंने क्या कहा कि हमने क्या करना है, अपना जो भी लिपिड का कंटेंट है उसको हमने किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करना है और देन हमने उसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर आयोडीन क्लोराइड ऐड कर देना है। आयोडीन क्लोराइड क्या करेगा, जितने भी अनसैचुरेटेड लिपिड मौजूद है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो कुछ डबल मोन सी एन जो कि हमने एक्सेस के अंदर ऐड किया, कुछ ने क्या करना है हमारे लिपिड्स के साथ रिएक्ट कर लेना है। और बाकी क्योंकि हमने एक्सेस में कहा था कि ऐड किया है तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग आयोडीन क्लोराइड रह जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास रिमेनिंग है। अब हमने ये क्या करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो है वो कितना आयोडीन जो है वो रिमेनिंग है। अब कितना हमने क्या करना है, जितना हमारे पास आयोडीन रिमेनिंग है उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना हमारे पास आयोडीन रिएक्टेड है, जितना हमने एक्सेस आयोडीन ऐड किया था उसमें से हम अपना आयोडीन रिमेनिंग जो है वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारा कितना आयोडीन क्लोराइड यूटिलाइज हुआ है हम वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आयोडीन क्लोराइड कितना रिमेनिंग है वो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास रह जाता है आयोडीन क्लोराइड के उसको हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम पोटाशियम आयोडाइड ऐड करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो सके, पोटाशियम आयोडाइड जब आयोडीन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट आयोडीन लिब्रेट होती है, उसको हम टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ और हम जो है वो स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जितनी जो है वो जितना रिमेनिंग आयोडीन क्लोराइड होगा सोडियम थायोसल्फेट की प्रेजेंस में जो है वो सोडियम आयोडाइड जो है वो जनरेट होगा और स्टार्च जितना हम क्या करेंगे कि जितना हमारे पास रिमेनिंग आयोडीन क्लोराइड रह गया है उसको हम क्या करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ जो है वो टाइट्रेट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेटर। तो जब हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर आयोडीन का आता है लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि वो कलर जो है वो डल हो सकता है तो इसीलिए हम स्टार्च इंडिकेटर करते हैं, जैसे हम उसको टाइट्रेट करते हैं तो जितना हमारे पास टाइट्रेट यूज़ होगा और जैसे ही स्टार्च इंडिकेटर की वजह से हमारे पास जो है वो ब्लू कलर आना स्टार्ट होगा तो वो हमारे पास एंड पॉइंट होगा। तो जितना टाइट्रेट का वॉल्यूम यूटिलाइज होगा उस वॉल्यूम को हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी जितना आयोडीन क्लोराइड रिमेनिंग है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और जितना आयोडीन कलर तो रिमेनिंग जब हमारे पास आ जाएगा तो उससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो है वो कितना आयोडीन क्लोराइड का कंटेंट था या कितनी अमाउंट ऑफ आयोडीन क्लोराइड की अमाउंट है जिसने क्या किया हमारे सैंपल के अंदर जो लिपिड का कंटेंट मौजूद था उसके साथ रिएक्ट करा है। तो उसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फूड सैंपल है उसके अंदर लिपिड कंटेंट कितना मौजूद है। एक दफ़ा अगर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि आयोडीन वैल्यू बेसिकली हमें क्या बताती है कि हमारे जो भी फूड सैंपल है उसके अंदर कितना अनसैचुरेटेड लिपिड कंटेंट मौजूद है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम रिज मेथड यूज़ करते हैं। रिज मेथड में मैंने बताया कि क्या होता है कि हम अपना जो भी हमारा सैंपल है उसको हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, देन हम उसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर आयोडीन क्लोराइड ऐड करते हैं। आयोडीन क्लोराइड ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें से जितनी कुछ आयोडीन क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर लेती है हमारे लिपिड कंटेंट के साथ, बाकी जो रिमेनिंग आयोडीन क्लोराइड की अमाउंट होती है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितनी रिमेनिंग रह गई है। अब वो जो आयोडीन क्लोराइड की अमाउंट जो जिसने हमारे लिपिड कंटेंट के साथ रिएक्ट नहीं किया, जो एक्सेस में थी जो रिमेन रह गई है वो फाइंड आउट कर हम कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है हम उसको टाइट्रेट कर लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। उसमें हम पहले आप पोटाशियम आयोडाइड ऐड करेंगे ताकि आयोडीन लिब्रेट हो, देन हम उसको टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेटर। तो जो हमारे पास ब्लू कलर आता है तो वो ये इंडिकेट ब्लू कलर आएगा तो वो हमारे पास जो है वो एट द एंड पॉइंट होगा। देन हम कितना हमारा सोडियम थायोसल्फेट का जो है वो वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ उसकी बेस पे क्या करते हैं हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी आयोडीन क्लोराइड रिमेनिंग थी। तो जब हमारे पास आयोडीन क्लोराइड रिमेनिंग आ जाएगी तो देन हम क्या करते हैं कि जितनी कितनी आयोडीन क्लोराइड ने रिएक्ट किया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, सिंपल कि आयोडीन क्लोराइड रिएक्टेड
ठीक है, कि जिसने रिएक्ट किया हमारे कंपोनेंट के साथ, लिपिड कंटेंट के साथ, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम आयोडीन क्लोराइड एक्सेस माइनस आयोक्लोराइड रिमेनिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोडीन वैल्यू आ जाएगी। और जितनी हमारे पास आयोडीन वैल्यू आएगी वो हमें ये इंडिकेट करेगी कि हमारे पास जो हमारा फूड का कंटेंट है उसके अंदर कितने अनसैचुरेटेड लिपिड्स मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर। स्पोनिफिकेशन नंबर की बेस पे भी हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं लिपिड कंटेंट को। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है, सेकेंड मेथड जो हमारे पास है, स्पोनिफिकेशन नंबर। ठीक है, स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, स्पोनिफिकेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ ट्राइग्लिसरॉल ट्राइएसाइलग्लिसरॉल इन आ सैंपल। स्पोनिफिकेशन नंबर के जरिए जो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है उसके अंदर ट्राइएसाइलग्लिसरॉल जो है कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है। स्पोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन आ न्यूट्रल फैट इन टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बाय द ट्रीटमेंट विद अल्कली। स्पोनिफिकेशन का मेन मकसद क्या है कि हमने क्या करना है, अपने सैंपल के अंदर से फाइंड आउट करना है कि ट्राइएसाइलग्लिसरॉल जो है वो कितने मॉलिक्यूलर वेट के अंदर का जो है वो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल मौजूद है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना जो भी हमारा सैंपल है उसको हम अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, और जब उसके साथ ट्रीट करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होंगे, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, स्पोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइंड एज अ मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम फैट। द लिपिड इज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड। सबसे पहले इसके अगर हम मेथड्स का मैं स्टेप्स बताऊँ जिसमें हम क्या करते हैं कि लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा सैंपल है फूड का सैंपल उसमें से हमने अपने लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया एक्सट्रैक्शन मेथड के जरिए। उसके बाद हमने उसको एथेनॉल सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व करना है, जिसके अंदर हमने क्या ऐड किया हुआ है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट के अंदर हमने ऐड करनी है। उसके बाद हमने सोल्यूशन को जो है वो हीट अप करना है ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और जितना भी अनरिएक्टेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रह जाएगा उसको हमने क्या करना है, टाइट्रेट करके फाइंड आउट कर लेना है HCl के जरिए। ठीक है, जिस तरह हमने आयोडीन वैल्यू का देखा उसी तरह से स्पोनिफिकेशन नंबर का। स्पोनिफिकेशन बेसिकली हमें बताता है कि हमारे पास सैंपल के अंदर कितना ट्राइएसाइलग्लिसरॉल मौजूद है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना जो भी फूड सैंपल है उसके अंदर से हम फैट कंटेंट या लिपिड कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, देन हम उसको एथेनॉल के अंदर डिजॉल्व करके इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, देन हम उसके अंदर क्या करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जितना ऐड होगा वो क्या करेगा, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके उसकी क्या करता है, उसको डीकम्पोज कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। अब जितना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है उसको हमने फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इंडिकेटर ऐड करके उसको टाइट्रेट कर लेंगे HCl के अंदर। जितना HCl का वॉल्यूम यूज़ होगा, देन हम वही M1V1 का फार्मूला अप्लाई करके जो हम क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन मेथड का जो हम यूज़ करते हैं उसके जरिए हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास सैंपल के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना रिमेनिंग है। और उसके लिए फिर हम सेम वही यूज़ करेंगे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना रिएक्ट हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो एक्सेस में हमारे पास मौजूद था उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे पास रिमेनिंग कितना है, देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि कितने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने जो है वो रिएक्ट किया। ठीक है, दी स्पोनिफिकेशन नंबर इज देन कैलकुलेटेड फ्रॉम अ नॉलेज ऑफ वेट ऑफ सैंपल एंड द अमाउंट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज रिएक्टेड। द स्मॉलर द स्पोनिफिकेशन नंबर द लार्जर द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्राइग्लिसरॉल ट्राइएसाइलग्लिसरॉल प्रेजेंट। जितना कम जो है वो जितना कम स्पोनिफिकेशन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा ट्राइएसाइलग्लिसरॉल का। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है वो है एसिड वैल्यू। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास मेथड है, केमिकल टेक्निक है, वो है एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या क्या है, एसिड वैल्यू के जरिए हम क्या करते हैं, एसिड वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री एसिड्स प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ फैट या लिपिड के साथ, कोई भी हमारे लिपिड या फैट के साथ एसिड्स जो है कितने फ्री एसिड्स मौजूद हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड वैल्यू का मेथड यूज़ करते हैं। द लिपिड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड एंड देन डिजॉल्व इन एथेनॉल सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इंडिकेटर। हमने उसी तरह से करना है, हमने फूड सैंपल के अंदर से अपना लिपिड कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसको एथेनॉल के अंदर डिजॉल्व करना है, इंडिकेटर ऐड करना है, और उसके बाद उसको क्या कर लेना है, हमने टाइट्रेट कर लेना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। जितना हम जब और उस वक्त तक हमने उसको टाइट्रेट करना है जब तक पिंक कलर जो है हमारे पास अपेयर ना हो।
जैसे ही हमारा जितना वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज होगा, उसको हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सैंपल के अंदर से अननोन जो भी सैंपल है हमारे पास, वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर जो है वो कितना जो है वो एसिड कंटेंट मौजूद है। बेसिकली एसिड वैल्यू होती क्या, एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज अ फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ लिपिड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी एसिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एसिड वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारा फूड सैंपल है उसके अंदर से हम अपना लिपिड कंटेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, एथानॉल के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं, देन हम उसको जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है हम उसको टाइट्रेट करते हैं, और देन हम उसका जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ, उसकी बेस पे हम उसकी एसिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है एन आई सी जीन वैल्यू, जो फोर्थ हमारे पास मेथड है, केमिकल मेथड, पैरा एन आई सी डीन वैल्यू भी जिसे कहते हैं, एन आई सी डीन वैल्यू। ठीक है, एन आई सी डीन वैल्यू बेसिकली क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे पास फैट हैं या ऑयल कंटेंट है उसके अंदर एल्डिहाइड कितनी मौजूद है, एल्डिहाइड लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एन आई सी डीन वैल्यू यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एन आई सी डी वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ द एल्डिहाइड लेवल इन एन ऑयल और फैट इन पर्टिकुलर दोज दैट आर अनसैचुरेटेड। जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनके अंदर एल्डिहाइड कंटेंट कितना मौजूद है उसको फाइंड आउट करने के लिए एन आई सी डी वैल्यू को यू मेथड यूज़ करते हैं। एन आई सी डी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फैट है या ऑयल है उसका हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं आइसो ऑक्टेन के अंदर, और जो हमारा पैरा एन आई सी डी है, ठीक है, एन आई सी डी पैरा एन आई सी डी को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर डिजॉल्व करेंगे। अपना जो भी फूड का सैंपल है जिसके अंदर से आपने ऑयल या फैट कंटेंट सेपरेट किया हुआ है उसको आपने क्या करना है, आइसोक्टेन के अंदर डिजॉल्व करना है, देन हम उसको जो है वो मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, येलोइश फ्रॉम येलोइश रिएक्शन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आता है, येलोइश रिएक्शन प्रोडक्ट हमारे पास, येलो कलर का प्रोडक्ट जो है हमारे पास जनरेट होगा, या सोल्यूशन का कलर जो है हमारे पास येलो हो जाएगा। उस येलो सोल्यूशन की हम क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करते हैं 350 न्यूटन नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, 350 नैनोमीटर पे जो है हम उसके एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारा पास फूड सैंपल है उसकी क्या पैरा एन आई सी डी वैल्यू है, या इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर एल्डिहाइड का कितना लेवल है वो हम फाइंड आउट करते हैं एन आई सी डी के जरिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनालिसिस ऑफ लिपिड्स। अच्छा, इसके अलावा जो हम नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमने अपना सॉल्यूशंस की जो है वो, या जो भी फूड सैंपल्स होते हैं उनकी हमने फाइंड आउट करनी है कि उनका जो है वो पीएच क्या है या फिर उनका एसिडिटी लेवल क्या है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। या फिर पीएच एनालिसिस, ठीक है, या पीएच डिटर्मिनेशन या एसिडिटी डिटर्मिनेशन। हमारे पास डिफरेंट फूड कंटेंट होते हैं जिनका पीएच लेवल डिफरेंट होता है, एसिडिटी लेवल डिफरेंट होता है। एसिडिटी एनालिसिस के लिए नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, लाइक अगर हम जो है वो सोल्यूशन जिनको हम कहते हैं कि हम यूज़ कर लेते हैं कि जिसको फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा जो है वो एसिडिक है, या फिर हमारे पास लिटमस सोल्यूशन हम यूज़ कर लेते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास जो फूड सैंपल है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, या फिर हम पीएच पेपर्स भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं जिसके ज़रिए हम नो डाउट हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम ये फाइंड आउट ज़रूर कर सकते हैं लिटमस सोल्यूशन के ज़रिए या हम पीएच पेपर्स के ज़रिए कि हमारा जो फूड सैंपल है वो एसिडिक है या बेसिक है। उसके लिए सेम हमने अपना सोल्यूशन के फॉर्म के अंदर जो है अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं, देन हम उसके अंदर जो है वो पीएच पेपर डिप करेंगे या फिर जो लिटमस सॉल्यूशन पिक करेंगे और उसके चेंजेस इन कलर के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा फूड सैंपल जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। पीएच एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उनकी पीएच कितनी है। तो पीएच की डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, पीएच मीटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, पीएच मीटर्स को हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम पीएच मीटर का जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है उसको हम डिप करते हैं, और जो हमारे पास डिजिटल पीएच मीटर्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास जो स्केल होता है उसकी बेस पे हम उसके अंदर से उसके ऊपर जो है वो हम रीडिंग रीड करके हम फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे पास फूड सैंपल है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने जो डिफरेंट फूड हमारे पास आइटम्स होते हैं उनका हम पीएच वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या पीएच एनालाइज करते हैं।
आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या देखा कि जो हमारे पास रिमेनिंग लिपिड्स के थे मेथड, के कौन कौन से मजीद फर्दर मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पीएच फूड कंटेंट के अंदर से लिपिड्स को जो है वो या फैट्स को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने एसिडिटी का एनालिसिस देखा और पीएच वैल्यू को एनालाइज करने का हमने मेथड देखा। थैंक, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।